But everyone is an esteemed guest. Everyone can come to one drop that list. Yes, yes. मुझे बुलाना तो दीजिए. In the last 22 years, I know. Last 22 years, I know. Ali sir, used to attend my music programs, used to come home regularly, and then we used to talk on every subject except politics and sports. So, शायरी की भी बात आती है, गीतों की भी बात आती है. Then suddenly we talk about the old timers, the legends. कोई कुछ अच्छा नहीं लगता ये बोले सर बहुत सही बात. कुछ लोगों ने नाम बनाया they took even awards and placed awards and went away like bro nothing goes left. So I think I've spoken a lot there. And we're going to do the honors. Where are the books? Ajay. Portrait during his lifetime, right? It's a very transparent, very transgressive. I mean, book. People used to make. जहाँ तो कहीं बेदिल से हूँ. अली सर आप नाम चाहे फंक्शन एंड सो नो क्लास ग्लैमर कहते हैं सब सुनने वाले बोलते हैं हम लोग मुबारकबाद सर को एपीजे सर को पहली बार इनसे मुलाकात करी दीप्ति नवल जी के घर पे हुई थी. पर मैं एक छोटी सी करेक्शन और कर दूं. मुझे 20-22 साल नहीं हुए हैं यूनिवर्सिटी में. मेरा 15वां साल चल गया है. 14 अक्टूबर को चल गया ट्वेंटी. बट एनी वे 14 और इनसे मुलाकात हुई. इनका नाम मैंने पहले सुना हुआ था और ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में होता था और ये स्क्रीन के एडिटर होते थे और बस स्टैंड पे जाके स्क्रीन का अखबार हम हफ्ते की हफ्ते खरीदते थे हमारा. और उसमें से जो अच्छी अच्छी फोटोज होती थी या आर्टिकल तो पढ़ लेते थे लेकिन जो फोटोज होती थी हीरोइंस की या फिल्मों की उसमें हम अपनी कॉपियों के कवर बना लेते थे. जो हीरोइन अच्छी लगती थी उसको फ्रंट पे रख लेते थे कॉपी का कवर बना लेते. तो तब से इनसे एक गायबाना मुलाकात जैसे कहते हैं एक गायबाना मुलाकात थी. फिर यहाँ आके इनके बारे में बहुत सुना और एक दिन अचानक दीप्ति नवल जी की यहाँ मुलाकात हो गई. और ये वाकई मुझे लगता है स्वभाव से सूफी इंसान और तबीयत से तबरेज और दिल से दरिया और ईमान से ईसा किस्म के इंसान. और ये वहां बैठे चाय पी रहे थे और उनके साथ दीप्ति जी बैठी थी. मैं कुछ वहां से निकला मुझे लगा कि इनकी मीटिंग शुरू होने वाली है या शायद मैं आया था मीटिंग के लिए. तो दीप्ति जी ने कहा कि इनको जानते हैं शायद. मैंने कहा जी नहीं मैं नहीं जानता. ये अली पीटर जॉन है. आप यकीन मानिए फिर 5-7 सेकंड मेरे जबान से कुछ निकला कि अच्छा ये है वो इंसान जिसके बारे में मैंने सुना था जिसके बारे में मैंने पढ़ा था. तो इनकी शख्सियत का आप यकीन मानिए कोई भी इस मुंबई में तो क्या इस इंडस्ट्री में तो क्या मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में भी इंसान है. एक वो फकीरी मेरी खुद की 4 किताबें निकल चुकी हैं और मुझे पता है कि किताबों का किस तरह का पब्लिशर्स का एक कमर्शियल धंधा रहता है और किस तरह की राइटर्स बातें करते हैं और किस तरह का वो उतार चढ़ाव बातें सब एग्रीमेंट्स होते हैं. ये इकलौता इंसान है जिसने 14 किताबें निकाल दी हैं और कभी एक कॉपी किसी को बेची नहीं है. अब इससे बड़ा इसकी दयादिली का इस इंसान की शख्सियत के कद का और क्या सबूत चाहिए किसी को कि कितना ये दिखने में आम सा दिखने वाला ये इंसान किस तरह से ये आप आराम से इसको फरिश्तों की एक कतार में खड़ा कर सकते हो.
अपनी तबीयत के लिहाज से, अपनी आदतों के लिहाज से, अपनी दरियादिली के लिहाज से, अपने स्वभाव के लिहाज से, तो मैं जब भी इनसे मिलता हूं मैं नहीं जानता कि मुझे क्या मिल जाता है उस, ये मैं खुशी भी नहीं कहना चाहता हूं, ये खुशी भी नहीं है, ये आशीर्वाद भी नहीं है, ये कोई ऐसा खजाना भी नहीं है जिसको किसी तरह से आप बता सकें लोगों को कि क्या मिला मुझे। मेरी जो वाइफ है, हमने सोचा चलिए चाय पीते हैं यार, आज यहाँ पे रुक के, मैं रुक के चाय पीने के लिए हम वहां पे रुक के, अचानक से मुझे ऐसा मैंने देखा, अच्छा उससे पहले कोई और आया, वो जिस तरह से एक सेल्फी का आजकल व्यवहार है, तो मैंने कहा चलिए पीछे से आवाज आई इर्शाद, मैंने मुड़ के देखा तो सर बैठे, कहते ये तो मेरा दफ्तर है, मतलब ये कितनी इत्तफाक की बात है, चाय पीने का मन हुआ मैं इनके दफ्तर में आ गया। तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, मेरे लिए इसको मैं एज ब्लेसिंग्स भी लेता हूँ, दुआओं की तरह लेता हूँ, और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि जिस तरह का चलन इन्होंने शुरू किया है, जिस तरह की जिंदगी इन्होंने जी है, उससे हम जैसे लोग कुछ थोड़ा बहुत अगर ले पाए तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, एक अंश भर भी अगर हम ले पाए, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनको इनकी ये 14वीं किताब के लिए, और ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 14 और किताबें ये इसी तरह से लिखेंगे, और हम जैसे जो पढ़ने वाले हैं, इनकी पिछली किताब थी, पिछली किताब भी मेरे पास है, तो मैंने और मेरी वाइफ ने हमने बकायदा उसको पढ़ा और उस पर बात भी की, तो ये किताब भी हम पढ़ के मैं और भी आपको भी कहता हूँ, ये किताब का मकसद, किताब की जिंदगी, किताब को जिंदगी तभी मिलती है जब उसे पढ़ लिया जाता है, रैक में रखी हुई किताब वक्त के साथ मर जाती है, ये किताबें बेचते नहीं हैं, इसलिए ये हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि इनकी किताबों को मरने ना दिया जाए, कोई हम में से कोई और हो साल दो साल चार साल के बाद बोले कि यार वो मेरी वो एपीजी सर की ना एपीजे सर की सेकंड किताब मेरे पास पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी नहीं है, चलो उसकी 200 कॉपी और पब्लिश करवा देता हूँ यार, 200 दोस्तों में और बांट, वो चौथी किताब जो उन्होंने लिखी थी वो बहुत सारे दोस्तों ने अब पढ़ी नहीं है, चलो उसकी 500 कॉपी और निकाल लेता हूँ यार, 500 दोस्तों में बांट देता हूँ। तो ये सिलसिला लगातार जो इन्होंने शुरू किया, मुझे लगता है हम जैसे इनके चाहने वालों को ही आगे बढ़ाना है, और वो मुझे लगता है वक्तन फवक्तन बढ़ाते भी रहेंगे इनकी लंबी उम्र की दुआ के साथ, और उम्र दराजी की एक खुदा से दरख्वास्त के साथ इनको इस किताब के लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। I often love this world, I don't know what to say. I only know one thing, as long as I live, I'm going to write no other way. And whatever happens, like even today, maybe my birthday or maybe some political, but unless I write something which makes sense, there is not going to mean anything. The most interesting thing that happened to me today was I was going to the paper, I was going to the front bank, and I was seeing what I had done. यहाँ ये वहाँ मार मारे वहाँ वहाँ पे डेंजिंग, तो मैंने ऐसे सोचा आई विल गो टू द प्रेस जस्ट नाउ एंड स्टॉप द प्रेस एंड चेंज माय हेडिंग एंड से वो मोस्ट ऑफ माय स्टॉप इज नथिंग, दूसरों का काम देगा तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा काम ना कर ले, तो माय स्टॉप का नथिंग करता है तो स्टॉप विच आर गोइंग टू फेस माय फैक्ट and I was a little sorry to say this towards the end of my life, I'm getting a little disillusioned with this country, and
very good leader. I don't see any light in them. A lot of other things they have relation to where they have worked. And I used to be very interested in politics. My main inspiration were two people. One is Mr. Padar and Subhash. Without whom I would not be anywhere. I would not have a vision or be a bus conductor. Or to maximum be working or be older. But one postcard I always say this. One postcard I wrote to an unknown man called K.R. Das. And that man used to get 1,000 letters every day. He picked up that one postcard and he answered me. And he said, can you come and see me? First of all, I could not understand. He had only written K.R. Das lives Bombay. Postcard reached him and within 3 days he said, come and see me. I didn't have a rupee on me, so I walked all the way to Jew and I saw a man sitting in a khaki pant and a baniyan. So I thought he must be his cook or his servant, and he must be having a man. And I said, Papa saw to the man. My little Papa, this is how you support him. He's much more powerful than Amitabh Bachchan. Sitting at a iron table, lying there, and sitting there and writing with his pen and looking at me like this. And he said, so you are the man with this funny name? I said, no, sir, this is not a funny name, this is a real name. And I told him the story of my name. So he made me sit down. He said, did you have some tea? I said, yes, because I have not eaten anything since morning. So he offered me tea, and then he said, I don't know how he said and how I took a college magazine. In which I had interviewed Rajendra Singh Bedi, one of the best writers. And he said, how do you know it? I said, he's secretary to the mayor. He said, how do you know the secretary? What is his name? I said, Jaldi Lari. He said, you only know funds and loans and things. I didn't know. He told me last week he tweeted. There is half for 8 lakhs of rupees and you know such people. What can I do? After that, he didn't say anything. He said, finish your tea on Monday, come and start working with me. I'll pay you 100 rupees, okay, nothing is like that, nothing is like that. And that is how I started. And I have to say, and I have written what I have learned from him in 1.5 years or 2 years. I have not worked throughout my education. My MA and all the reading, whatever I have done, what I have learned from that one man, I will never learn again, and no one can do that. And for today, I must thank all of you, all beautiful people. I was expecting a big crowd, but then my mother used to always say, 29 is the feast of Saints Peter and Paul. So if you say 29 of June, whatever happened, it was failed. Because the two saints, Peter and Paul, they are playing the ball in heaven. So it is getting today also. And I thank some very special people in my life. All of you are special. There is one more again. I don't know how to describe him. I tried to write something about him last week, 7 years back. So that was very, very good for him. You must see him now, he has grown from his organization of people like 4 hours the man stands there and speaks about music and makes people sing 4 hours. Bharat is here 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes,